वोटिंग ट्रेंड। हालांकि आयशा खान जो है घर से बेघर हो चुकी है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे, ये चीज तो आप मेरे चेहरे पे देख ही सकते हैं। तो जो जनता घर के अंदर आई थी उसने वोट आउट तो कर ही दिया है, पर अभी तक भी वोटिंग लाइन ओपन थी, अब क्लोज हुई है, 10 बजे तक ओपन थी, फ्राइडे 10 बजे तक। तो अब इस वक्त आखिरकार क्या हालचाल है, जनता ने किसको सबसे ज्यादा वोट की है, किसको सबसे कम वोट की है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले तो अंकिता लोखंडे है, दूसरी ईशा है, तीसरी आयशा है, चौथे विक्की भैया है। चौथे विक्की भैया है, तो फिर विक्की भैया आखिरकार क्यों नहीं हुए भाई? यही तो मुद्दा है कि विक्की भैया का अगर वोटिंग के हिसाब से जाते तो विक्की भैया जो है, अगर सिंगल एविक्शन होती तो विक्की भैया ही निकलते। तो जो जनता को घर के अंदर भेजा गया, अभी ये तो साफ तौर पे पता चल गया, जिस जिस जो कंटेस्टेंट को मेकर्स पसंद नहीं करते ना, उसको निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट पहले भी रहे हैं जिनको निकाला गया है, जैसे कि उमर रियाज। उमर रियाज इतने फेवरेट बने जनता के कि इनसे जलस हो गई मेकर्स को, और मेकर्स ने जो है बहुत ही बायस डिसीजन लेके उनको निकाल दिया। अब ये तो बायस्ड नहीं है, ये बहुत ही अच्छा कर्मा जो है आयशा खान को मिला है, जनता ने वोट आउट कर दिया, निकल गई। अब हो सकता है कि वीकेंड के वार पे जैसे कम वोट जो है विक्की भैया को ही मिली है, तो विक्की भैया को भी जो है वोट विक्की भैया को भी जो है घर से बेघर कर दिया जाए, और बाकी के फिर पीछे बचेंगे जो लोग, उनको उनके साथ टिकट टू फिनाले या जो भी टास्क होना वो होगा, और फिर उसके बाद शो एक हफ्ते का बचा है, उसके बाद खत्म, फिर विनर मिल जाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।